हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। आज हम हमारा नया टॉपिक कवर करेंगे, थेरापेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंटा एसिड्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एंटा एसिड्स क्या होते हैं। तो एंटा एसिड्स आर द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो एंटा एसिड्स क्या करते हैं, हमारे स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसका मतलब एंटा एसिड्स क्या है, ये बेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिडिटी कॉज कैसे होती है, तो एसिडिटी कॉज होती है ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक। और कौन सा एसिड सिक्रीट होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम बात करें HCl का एक्सेस सिक्रीशन क्यों होता है हमारे स्टमक में, तो उसके लिए मेन कॉजिंग एजेंट है हमारा एक केमिकल हिस्टामिन, जो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। तो जब भी हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है तो वो HCl और पेप्सिन इन दोनों का एक्सेस सिक्रीशन कराता है स्टमक में, जिसकी वजह से एसिडिटी कॉज होती है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो मेनली दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं एसिडिटी के। फर्स्ट ट्रीटमेंट है टेम्परेरी ट्रीटमेंट और सेकंड है परमानेंट ट्रीटमेंट। अगर हम टेम्परेरी ट्रीटमेंट की बात करें, तो टेम्परेरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, तो सबसे पहले जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया तो ये एक बेस था, तो इसने हमारे स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन जैसे ही हमारी स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, तो उसके बाद क्या है, ये कंटिन्यूअसली और डिसॉल्व होता रहता है, जिससे हमारे स्टमक का मीडियम बेसिक हो जाता है। और अगर स्टमक का मीडियम बेसिक हो गया, तो फिर से हमारे स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही एसिडिटी कॉज हो जाती है, और जिससे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे स्टमक अल्सर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अगर मैं हाइड्रोक्साइड सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बात करता हूँ, तो इनकी एक खासियत है कि ये जब हमारे स्टमक में जाती है, तो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के बाद ये डिसॉल्व होना बंद कर देती है। और जैसे ही ये डिसॉल्व होना बंद कर देंगी, हमारे एसिड जो है उसका एक्सेस सिक्रीशन नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बताया ये हमारे टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, मतलब ये सिर्फ हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन हमारे हिस्टामिन के सिक्रीशन को नहीं रोकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ परमानेंट ट्रीटमेंट, तो उसमें जो हम ड्रग्स को यूज करते हैं, वो हमारे हिस्टामिन के एक्सेस सिक्रीशन को रोक देते हैं, जिससे HCl का सिक्रीशन बंद हो जाता है, और साथ में हमारे स्टमक की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसमें हमारे मेनली दो तरह के ड्रग्स आते हैं, एक रैनिटिडीन और एक सिमेटिडीन। अगर मैं इनको याद करने का तरीके की बात करूं, तो इसकी हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जिसको हम लोग बोलेंगे HCRA। H यानी हिस्टामिन, जिससे एसिडिटी कॉज होती है। C यानी सिमेटिडीन, जिसको हम लोग टेगामेट भी बोलते हैं। R यानी रैनिटिडीन, जिसको हम जेंटेक भी बोलते हैं। और A मतलब एंटासिड्स, कि ये दोनों एंटासिड्स हैं। आपको याद रखना है, जितनी बार इन वर्ड्स को दोहराएंगे उतनी बार ये आपको ज्यादा अच्छे से याद होंगे, क्योंकि ये वर्ड थोड़े टिपिकल है, इतनी इजिली याद नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटी हिस्टामिन्स। तो एंटीहिस्टामिन्स वो होंगे जो हिस्टामिन के सिक्रीशन को रोकेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हिस्टामिन के और क्या फंक्शन है। तो हिस्टामिन इज अ पोटेंट वैसोडायलेटर, यानी हिस्टामिन क्या है, एक पोटेंट वैसोडायलेटर है। सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए वैसोडायलेटर होते क्या है। तो वैसोडायलेटर वो होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, या हमारे स्मूथ मसल्स को डायलेट कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। लेकिन ये कुछ स्मूथ मसल्स को, जो हमारे ब्रोंकियाई और गट्स में प्रेजेंट होती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और अदर मसल्स को रिलैक्स करते हैं। यानी इट कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स इन द ब्रोंकियाई एंड गट्स एंड रिलैक्सिंग अदर मसल्स सच एज ब्लड वेसल्स। यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्मूथ मसल्स को ब्रोंकियाई एंड गट्स की, और रिलैक्स करते हैं मसल्स को ब्लड वेसल्स की, ठीक है। और मेनली ये हमारे पोटेंट वैसोडायलेटर है, ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर मैं बात करता हूँ हिस्टामिन के सिक्रीशन से, तो जब हमारे ये ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे, और हमारी ब्रोंकियाई और हमारे गट्स जो इधर प्रेजेंट है, इनकी स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हमें ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो मेनली ये प्रॉब्लम कब होती है, अस्थमा जैसी डिजीजेस में, जो कि पोलन ग्रेन से कॉज होती है, एक तरह की एलर्जिक डिजीज है। तो इस केस में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, जब आप ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे, खांसी आएगी बार बार। तो खांसी कौन सी बीमारी में सबसे ज्यादा आती है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स की अगर हम बात करें,
तो वो मेनली हमारे दो होते हैं, पी बी। यानी आपको मैंने ट्रिक बता चुकी है, जब भी एलर्जी कॉज होगी आपकी स्मूथ मसल्स गट्स की और ब्रोंकियाई की कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपको खांसी आएगी और खांसी आती है टीबी में। तो हमारी ट्रिक क्या है, टीबी। टी से आता है हमारा टर्फेनराइडिन, जिसको हम सेल्डेन भी बोलते हैं, और बी से आता है हमारा ब्रोमफेनरामाइन, जिसको हम डैमटेप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। इसमें हमारे दो टाइप के ड्रग्स आते हैं, एक ट्रैंक्विलाइजर्स और दूसरे एनाल्जेसिक्स। तो सबसे पहले हम ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर्स हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, यानी ये डिप्रेशन कॉज होने से रोकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि डिप्रेशन कॉज कैसे होता है, तो इसके लिए हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी में हार्मोन होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन एड्रेनलिन। अगर हम बात करें नॉन एड्रेनलिन की, तो नॉन एड्रेनलिन जो होता है वो मेनली रोल प्ले करता है हमारे मूड चेंज में। यानी अगर नॉन एड्रेनलिन का कैटालिसिस होने लगे तो हमारा मूड चेंज होगा और हमें डिप्रेशन कॉज होगा। अगर हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होते हैं, तो उसके लिए भी हमने ट्रिक बनाई है। जैसे अगर आप किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए और वहां आपने पढ़ा, लेकिन अब बहुत हाई लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप डिप्रेशन में आ गए कि ऐसे कैसे एंट्रेंस क्रैक होगा, कैसे आप कुछ करेंगे। तो फिर आपका एक फ्रेंड जिसने आपको सलाह दी कि भाई तुम आईपी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां जाके पढ़ो, तो आप गए आईपी यूनिवर्सिटी में। जैसे आप आईपी यूनिवर्सिटी में गए, तो वहां सिलेबस इजी था और पढ़ाने का तरीका थोड़ा इजी था, जिससे कि आपको इजीली समझ आने लगा और आपका डिप्रेशन कम हो गया। तो अभी हमने कौन सी यूनिवर्सिटी की बात की थी, आईपी यूनिवर्सिटी। तो हम आईपी यूनिवर्सिटी से हमारे ड्रग याद रखेंगे आईपी, आई यानी एट्रोनियाजिन और पी यानी फेनलजिन। फेनलजिन को हम लोग नार्डिल भी बोलते हैं। और फिर जब आप आईपी यूनिवर्सिटी में चल गए तो आपका डिप्रेशन कम हो गया है, लेकिन अब भी आपके पास माइल्ड डिप्रेशन है, यानी आप में माइल्ड डिप्रेशन है, आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन है। तो जब आपको माइल्ड डिप्रेशन है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सीएम के पास जाएंगे। सीएम के पास जैसे ही आप गए, वो आपकी प्रॉब्लम को इक्वा निल कर देगा। तो सीएम और इक्वा निल की अगर हम बात करें, तो ये हमारे ड्रग्स की ट्रिक है। जरा ध्यान से देखिए, सी यानी हमारा क्लोर डाइएजिप ऑक्साइड, एम यानी मेप्रोमेट और ई यानी इक्वानिल। यानी जब आपको माइल्ड डिप्रेशन होगा तो आप किसके पास जाएंगे, सीएम के पास, तो वो आपकी प्रॉब्लम को इक्वा निल कर देगा। आपको याद रखना है ये हमारे माइल्ड डिप्रेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब भी कई बार क्या होगा, कभी कभी आपको अचानक से ऐसा फील होगा, अरे नहीं मेरे को तो एंट्रेंस ही क्रैक करना था, मैं क्यों यहां आ गया, क्यों फंस गया, एकदम अचानक से डिप्रेशन कॉज होगा। तो अचानक से डिप्रेशन कॉज होने के लिए हमारे पास कुछ ड्रग्स और हैं, तो उन ड्रग्स को यूज करने से पहले हम उनकी ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो आप एक क्रिकेटर का नाम जानते होंगे, वीवीएस लक्ष्मण, बहुत धुलाई करता था ऑस्ट्रेलिया की। तो यहां पर हमारे वीवीएस लक्ष्मण धुलाई करता है किसकी, हमारे डिप्रेशन की, और हमें स्लिप कॉज करा देता है। तो जरा ध्यान से देखिए, वीवीएस लक्ष्मण, तो वी से होगा हमारा वेरोनल, दूसरे वी से होगा हमारा वैलियम, एस से होगा हमारा सेरेटोनिन और एल से होगा हमारा ल्यूमिनल। तो ये जो हमारे ड्रग्स हैं, ये स्लिप कॉजिंग ड्रग्स हैं, स्लिप इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं। तो आपको एक बात और याद रखनी है, हम स्लिप इंड्यूसिंग ड्रग्स जो है ये हमारे, हम इनको बारबिट्यूरेट्स बोलते हैं। तो ये चारों हमारे बारबिट्यूरेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड थे हमारे एनाल्जेसिक्स। सबसे पहले ये पता होना चाहिए एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। एनाल्जेसिक्स हमारे पेन किलर्स होते हैं। एनाल्जेसिक्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक और दूसरे नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो होते हैं हमारे, वो स्लिप इंड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके मेनली मोस्ट कॉमन दो एग्जाम्पल है, एस्प्रिन और पैरासीटामोल। डेली लाइफ में आप इनका काफी यूज करते हैं। अगर हम बात करें एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन का मेन काम होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल के सिंथेसिस को रोकता है, यानी इनहिबिट करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन काम होता है इन्फ्लेमेशन कॉज करना टिश्यूज में, जिसकी वजह से पेन कॉज होता है। अगर हम बात करें यूजेस की एस्प्रिन के,
तो एस्प्रिन जो होता है वो मेनली इफेक्टिव होता है स्केलेटल पेन में, यानी अर्थराइटिस, यानी स्केलेटन यानी आपकी जो बोन्स है हड्डियां हैं उनमें जो पेन हो रहा है उसके लिए एस्प्रिन बहुत इफेक्टिव होता है। एग्जाम्पल अभी हमने बात की अर्थराइटिस। उसके बाद और क्या है, आप जानते हैं एनाल्जेसिक तो है ही, यानी पेन किलर तो है ही, लेकिन साथ में फीवर को भी रिड्यूस करता है और साथ ही साथ आपका प्रिवेंटिंग करता है हार्ट अटैक से। अब आप सोच रहे होंगे हार्ट अटैक से कैसे प्रिवेंट करेगा, तो हार्ट अटैक से इस तरह प्रिवेंट करता है कि एस्प्रिन जो होता है वो हमारा क्लॉट बस्टर की तरह वर्क करता है, यानी जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उनकी क्लॉटिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। तो जो हमारी ब्लड वेसल से हमारा ब्लड हमारे हार्ट में जा रहा होता है अगर वो ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ही हमें हार्ट अटैक कॉज होता है। तो हमारा एस्प्रिन क्या करता है, उस क्लॉटिंग को हटा देता है जिसकी वजह से ब्लड रेगुलरली सप्लाई होता है हार्ट पे और हार्ट अटैक नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो होते हैं हमारे वो स्लिप इंड्यूस करते हैं, तो यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक हमारे स्लिप इंड्यूसिंग होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके मेनली तीन एग्जाम्पल है, MHC, एम यानी मॉर्फिन, एच यानी हेरोइन और सी यानी कोडिन। अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन की तो वो हमें ऑप्टेन होता है फ्रॉम ओपियम पॉपी प्लांट से, तो आपको याद रखना है मॉर्फिन हमें ऑप्टेन हो रहा है ओपियम पॉपी प्लांट से। अगर हम हेरोइन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, हेरोइन फॉर्म होता है बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, यानी जब आप मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कराएंगे तो आपको हेरोइन ऑप्टेन होगा। नेक्स्ट है हमारा कोडिन, यानी ये हमारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए इनका यूज कहां पर होता है, जब भी कभी सीवियर पेन होता है तो वहां पर इन ड्रग्स का हम यूज करते हैं, जैसे इन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के बाद काफी सीवियर पेन होता है जिसमें हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन करते टाइम भी बहुत सीवियर पेन कॉज होता है जिसमें हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होंगे, तो दे प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया फंजाई एंड वायरस एक्सेट्रा, यानी ये डेवलपमेंट को रोकते हैं या इनहिबिट करते हैं पैथोजेनिक एक्शन को माइक्रोब्स के, जैसे बैक्टीरिया फंजाई वायरस एक्सेट्रा। अगर हम बात करें एंटीमाइक्रोबियल्स में तो इसमें मिली हमारी दो क्लासेस आती हैं, एक आती है एंटीबायोटिक और दूसरी आती है हमारी एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो यहाँ पहले एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए एंटीबायोटिक होते क्या है, तो दे आर द ड्रग्स यूज टू क्योर इन्फेक्शन, यानी ये वो ड्रग्स होते हैं जिनको इन्फेक्शन क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। आपको याद रखना है एंटीबायोटिक को हम लोग डायरेक्ट ईट कर सकते हैं, है ना, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर जाके वर्क करता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो दे आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस, यानी ये वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं होली और पार्शली बाय केमिकल सिंथेसिस, ठीक है, विच इन लो कंसेंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये अपने लो कंसेंट्रेशन पे ही इनहिबिट करेंगे ग्रोथ को या डिस्ट्रॉय करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी ये इनहिबिट करते हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, बाय इंटरवीनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंटरवीनिंग करके, यानी उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस में छेड़छाड़ करके। और अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी पर, तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके एक साइंटिस्ट पॉल एनरिक ने। पॉल एनरिक ने एक ड्रग बनाया जिसका नाम था एस्फेनरामाइन, जिसको हम साल्वार्सन भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें एस्फेनरामाइन की, तो वो हमारा आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर है, यूज होता था मेनली सिफेलिस के लिए। सिफेलिस एक जेनाइडल डिजीज है, लेकिन एस्फेनरामाइन को जब हमने देखा तो ये सिफेलिस के लिए तो इफेक्टिव था लेकिन ये टॉक्सिक था ह्यूमन बींग्स के लिए। फिर पॉल एनरिक ने और डिस्कवरी की और उन्होंने देखा कि एजोडाई का स्ट्रक्चर जो था वो सिमिलर था आर्सेनिक के स्ट्रक्चर के, तो उन्होंने आर्सेनिक की जगह एजोडाई का यूज किया ड्रग्स में, और उन्होंने एजोडाई को यूज करके सबसे पहला इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट बनाया जिसका नाम था प्रोटॉनसिल। और अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक दो तरह के होते हैं, एक बैक्टीरियोसाइडल और दूसरा बैक्टीरियोस्टेटिक। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोसाइडल की,
बैक्टेरिसाइडल क्या होते हैं? साइडल मींस किल, यानी वो जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैक्टीरियो स्टैटिक की, तो बैक्टीरियो स्टैटिक वो ड्रग्स होंगे जो स्टैटिक यानी इनहिबिट ग्रोथ, यानी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल के लिए भी हमारे पास ट्रिक है, जरा ध्यान से देखिए। ईटीसी कैसे? एग्जाम चल रहे हैं लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, गाने सुन रहे हैं ईटीसी चैनल पे, तो हमारी पढ़ाई की ग्रोथ रुक गई है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ईटीसी इसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरियो स्टैटिक का। ई यानी एरिथ्रोमाइसिन, टी यानी टेट्रासाइक्लिन, सी यानी क्लोरोफेनिकॉल। अगर हम बात करें बैक्टीरियोसाइडल, तो बैक्टीरियोसाइडल वो होंगे जो बैक्टीरिया को किल कर देंगे, और जब भी बैक्टीरिया को किल करते हैं तो बैक्टीरिया बोलता है पाओ, PAO, पाओ। पाओ में पी यानी पेनिसिलिन, ए यानी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, और ओ यानी ऑफ्लोक्सिन। तो ये हो गए हमारे बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक के एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, तो इसमें पहला आता है हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है ये पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है। तो आपके मेनली बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और अगर हम बात करें आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की, तो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि या तो किल कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को, यानी ये किसी भी टाइप के बैक्टीरिया को नहीं बख्शते, दोनों को मार देते हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है कि जब भी हमारा बैक्टीरिया आ रहा होता है बॉडी में, तो हमारी बॉडी के सेल्स बोलते हैं AOVC, तो AAO AOVC। ए क्या है? एम्फिसिलिन। दूसरा ए क्या है? एमोक्सिलिन। ओ क्या है? ऑफ्लोक्सिन। वी क्या है? वेनकोमाइसिन। और सी क्या है? क्लोरोफेनिकॉल। नेक्स्ट है हमारा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में हमारे वो ड्रग्स आते हैं जो या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे या बैक्टीरिया को किल कर देंगे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये सिर्फ या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, यानी ये एक साथ दोनों बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक ही बैक्टीरिया पे इफेक्टिव रहेंगे। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है? दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज, यानी ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या उससे कॉजिंग होने वाली डिजीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो अगर हम एंटीसेप्टिक की बात करें, तो एंटीसेप्टिक को हम अप्लाई करते हैं लिविंग टिश्यूज पर, जैसे स्किन के सरफेस पर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एंटीसेप्टिक के, तो उसके एग्जाम्पल होंगे फ्यूरासिन एंड सोफ्रामाइसिन। डेटॉल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन आपसे यहाँ पे डेटॉल में आपसे पूछा जाता है कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना है पहला केमिकल है क्लोरोक्सिलिनॉल और दूसरा है टर्पिनॉल, इंपॉर्टेंट है याद रखें। अगर हम बात करें बिथियोनॉल की, तो बिथियोनॉल को हम लोग यूज करते हैं सोप में फॉर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए। अगर आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन हमारा एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है, और अगर हम 2 से 3% आयोडीन को मिक्स करें अल्कोहल वाटर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। लास्ट है हमारा बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड हमारे एक वीक एंटीसेप्टिक है, और इसको यूज करते हैं हम लोग आईज के लिए, यानी हमारी जो आई ड्रॉप्स होती हैं उनमें बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट की, तो डिसइंफेक्टेंट्स को हम अप्लाई करते हैं ऑन नॉन लिविंग सर्फेसेस लाइक फ्लोर्स, यानी आप फिनाइल वगैरह का यूज करते हैं, तो जो आप फिनॉल वगैरह का यूज करते हैं वो एक डिसइंफेक्टेंट है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक, यानी अगर फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन है तो वो एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है, और अगर 1% सॉल्यूशन है फिनॉल का तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है क्लोरीन इन कंसेंट्रेशन ऑफ 0.2 टू 0.4
पार्ट पर मिलियन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी क्लोरीन का कंसेंट्रेशन 0.2 से 0.4 पार्ट पर मिलियन होगा अगर एक्वस सॉल्यूशन में, और SO2 का भी बहुत लो कंसेंट्रेशन होगा, तो ये दोनों वर्क करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स की तरह। नेक्स्ट है हमारा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो होते हैं वो मेनली यूज होते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए या फिर फैमिली प्लानिंग के लिए। अगर हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स की, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स में दो टाइप्स होते हैं। एक पिल्स होती है जिनमें खाली सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है, और दूसरी पिल्स जिनमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ सिंथेटिक एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। अगर हम सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है हमारा नोरेथाइंड्रोन, और अगर हम बात करें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेटिक एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स की तो उसका एग्जाम्पल है हमारा इथाइनिल एस्ट्राडियोल, जिसको हम नोवेस्ट्रोल भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन की, तो प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन होता है ओवुलेशन को सप्रेस करना, यानी ओवम के सिक्रीशन को कम करना। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।